पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद ऑब्स्टेट्रिक्स गायनोलॉजिकल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा वॉक फॉर ए केस के अंतर्गत एक रैली का आयोजन किया गया। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एवं स्मृति संस्थान के इस नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत सारे देश की ऑब्स गायनी सोसाइटी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें जन जागरण के लिए सदस्यों ने विभिन्न संदेशों के साथ साथ पथ संचलन किया। ये रैली एंजल हार्ट केयर सेंटर से निकाली गई। इस रैली में मुरादाबाद शहर के नगर विधायक रितेश गुप्ता, अल्पना गुप्ता, प्रिया अग्रवाल, अंजू लोचब सभी ने भाग लिया और संदेश दिया। रैली में सचिव डॉक्टर निधि ठाकुर और अध्यक्षा डॉक्टर ऋचा गंगल, डॉक्टर संगीता मदान, डॉक्टर लीना चौहान आदि ने भाग लिया। रैली के समापन पर सोसाइटी के सभी सदस्यों द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वरिष्ठ कर्मठ सदस्य डॉक्टर जितेंद्र कुमार अग्रवाल के देहावसान पर श्रद्धांजलि संदेश दिया गया। मीटिंग की अध्यक्षता डॉक्टर ऋचा गंगल और संचालन डॉक्टर निधि ठाकुर ने किया। चूँकि हमारे समाज में बहुत ज्यादा असमानता है, लड़का लड़की में भेदभाव करते हुए बचपन से पालन पोषण होता है, इसकी वजह से समाज में बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती हैं। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो हमारे पूरी देश की एक फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी है, उसने आज पूरे देश में इस जागरूकता अभियान का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न शहरों की जो हमारी गायनी ऑफ सोसाइटी है वो सब लोग एक ये जागरूकता अभियान की रैली निकाल रहे हैं, जिसमें समाज को संदेश दिया जा रहा है कि हम लोग अपनी बेटियों को सक्षम बनाएं, उनको शिक्षा पे ध्यान दें जिसके कि वो समर्थ हो सके और किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें, जिससे कि लड़कियों की सेफ्टी वगैरह के लिए भी अच्छा रहेगा, समाज में अच्छा मैसेज जाएगा और आगे हमारे समाज प्रगति की ओर अग्रसर होगा। क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि बेटी बेटे में भेदभाव ना समझें और कन्या पैदा होने पर दुख न होकर हमें हर्ष की अनुभूति होनी चाहिए और हम उन पर भी समान ध्यान दें उनके पालन पोषण में, उनकी शिक्षा पर, जिसलिए अगर हम उनको अच्छा वातावरण देंगे तो वो सब कुछ करने में समर्थ है। और हम लोग देखते हैं आजकल हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं, तो हमारी जो मुरादाबाद ऑब्स गायनी सोसाइटी है, मैं उसकी अध्यक्षा हूँ, ये डॉक्टर निधि ठाकुर उसकी सचिव है, तो हम लोगों ने इसका आयोजन किया है आज और इसकी रिपोर्ट हम लोग सेंट्रल फेडरेशन ऑफ ऑब्स गायनी सोसाइटी को भेजेंगे और सारे भारत में सारी सोसाइटीज़ इसको कर रही हैं और इस प्रोग्राम को करीब 200 सोसाइटी कर रही हैं और ये हम लोग गिनीज वर्ल्ड बुक में भी इसका हम लोग वो जाएगा तो उसमें भी हम लोग का नामांकन होगा।